जय जोहार दोस्तों, स्वागत हमारे कोतुर जन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों जैसे कि हमारे चैनल में सभी त्योहारों के बारे में अपना तर्क दिया जाता है, तो दोस्तों दिवाली के बाद आता है दूसरे दिन हमारा भाई दूज। तो भाई दूज के बारे में बात करेंगे आज, और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है अधर्मी अनार्य जय लिंगो जी। स्वागत हमारे कोतुर जन यूट्यूब चैनल। लिंगो जी बताएंगे कि ये भाई दूज क्या है और क्यों मनाया जाता है, और इसे हमारे आदिवासी समाज में मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, इसके पीछे आपका तर्क क्या है? सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को मेरा सादर सेवा जोहार, क्रांतिकारी जय लंकेश। देखिए इसमें ये है कि भाई जी ने तो सवाल कर दिया कि भाई दूज, तो भाई दूज का अर्थ क्या है मेरे को उतना तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ बताना चाहता हूँ जितना मेरा अध्ययन है इसके संबंध में। भाई दूज की प्रथा जो एक कहे जाए तो कब से प्रारंभ हुआ, रक्षाबंधन भाई दूज, ये मेरे को सेम लगता है जैसे भाइयों का त्यौहार, भाइयों के लिए प्रेम, बहन और भाई की जो प्रेम है उसको बताने की जो एक व्यवस्था बनी उसको भाई दूज या फिर रक्षाबंधन बनाया गया। अब इसमें भाई दूज में एक चली में होता क्या है कि सभी जो बहन लोग जो अपने ससुराल चली गई हैं वो अपने भाई के लिए पकवान, खीर पकवान में मिष्ठान बना करके अपने मायके आती है, और मायके आकर के अपने भाई को अपने हाथ में खिलाती हैं। इस प्रकार से भाई और बहन की जो प्रेम और स्नेह की जो भाव को ही भाई दूज कहा जाता है। और जो इसमें इससे जो बहन लोग हैं अपने जो ससुराल चली गई वही आती हैं। तो अब इसमें देखा जाए तो वास्तविकता में यह क्या है, अब कहीं कहीं हमारे लोगों में यह भी शुरू होने लगा है, लेकिन पहले हमारे आदिवासी समाज में यह जो नहीं था, इस चीज़ को हमारे समाज में नहीं थे, लेकिन अभी कई मतलब देखा सीखी में देख देख करके हमारे लोग भी इसको अपना रहे हैं। तो एक्चुअली में यह हमारी जो व्यवस्था बनी जो हमारे समाज में वह व्यवस्था क्या है, अब इसको भाई दूज को हमारे है कि नहीं इसको बारे में हमको जानना है। तो भाई दूज अर्थात में दूज भाई अर्थात दूजहा भाई कहे जाए तो दूध भाई से प्रारंभ हुआ है। दूध भाई से प्रारंभ होकर के यह सगा भाई में आ गया। भाई तीन प्रकार के भाई होता है, एक हमारे में तीन प्रकार के भाई होता है, एक सगा भाई। दूसरा मौसी बड़ी का जो भाई होता है, और एक तीसरा मामा पुआ का भाई, तीन ही भाई होता है। और जो चौथा भाई होता है उसको दूध भाई के रूप में कहते हैं। जैसे जो किसी बच्चा का माँ के जन्म लेते ही उसका माँ की देहांत हो जाती है, तो उस समय आज के समय में बेबी फूड आ गए हैं। उस बच्चा का भी एक माह दो माह का भी है उसको उसका परवरिश हो सकता है, लेकिन पहले ये सब चीज़ नहीं था, बेबी फूड वगैरह की व्यवस्था नहीं थे। तो उस समय जो अलग से जो गांव में और कोई मातृशक्तियाँ रहती थी जिसका मतलब लयकोरी कहे जाए, बच्चा वाली जो स्त्री रहती थी, महिला रहती थी, तो अगर किसी बच्चा का माँ की डेथ हो जाए तो उसको दूध पिलाने के लिए वह जो दूसरे माँ के पास ले जाती थी और दोनों एक दूसरे का दूध पीते थे। तो अगर वह लड़का लड़की हो गए तो उसमें दोनों एक ही माँ का दूध पिए हैं, तो उसको दूध भाई कहते हैं। आज भी हमारे समाज में इस प्रकार से व्यवस्था है कि जो दोनों एक ही माँ का दूध पिए हैं, कोई अन्य सगा के है और एक ही माँ का दूध पिए हैं तो दूध भाई हो गए। तो दूध भाई की व्यवस्था दूध भाई था, और ये दूध भाई के द्वारा मतलब दूध भाई में लड़का लड़की हो ऐसा भी नहीं हो सकता, लड़का लड़का भी हो सकता, लड़की लड़की भी हो सकता, दूध भाई दूध बहन। तो ये जो चीज़ था इसी को इन चतुर लोगों ने यह कंसेप्ट लगाई और व्यापार बनाने के लिए ये दूध भाई दूज कर दिया, और भाई दूज को भी सगा बहन लोग खिलाने आ जाते, भाई सगा बहन, आप सगा बहन, मेरा सगा बहन मेरे को भाई दूज खिलाने आती है, वो क्या कहना, क्या बताना चाहती है मेरे को पहले बताइए, आप क्या बताना चाहती है कि मैं उसका दूज भाई हूँ क्या? भाई वो तो मेरा सगा बहन है, तो मेरे को कैसे दूज भाई खिलाएगी, सगा बहन कैसे मेरे को दूध भाई खिलाएगी? हाँ रही बात
जिस दिन हमारे लोग मितानी करने लगे, फूलदेदर और फूलदाई हुए, उसी दिन से लोग इस भाई दूज और अन्य हमारे संस्कृति में अभ्रंश पैदा होना शुरू हो गया। न ही हमारा मौसी बड़ी का जो बहन हमको भाई दूज खिला सकती है, न ही हमारा सगा बहन हमको भाई दूज खिला सकती है, क्योंकि वह हमारे साथ दूध भाई तो जरूर, दूध बहन तो जरूर है हमारा, हम एक ही माँ का दूध तो जरूर पिए हैं, लेकिन वह हमारा सगा है, हम एक ही कोख से जन्म ली हैं, इसलिए हम सिर्फ दूध नहीं, दूध के पहले हम सगा हैं, मतलब सगे बहन हैं, हमारा सगा मतलब हमारा भाई है, तो हमको वह दूध भाई दूध नहीं खिला सकती। तो ये जो व्यवस्था बनी हुई थी, और जब यह जो बन रहा था, यह व्यवस्था बन रहा था, तो उसमें स्नेह प्रेम करने के लिए इन चतुर वर्ण के लोगों ने यानी व्यापारवाद को डालने के लिए भाई दूज कर दिया, बहन अपने भाई अपने बहन के लिए लुगड़ा लेगी, वो लेगी, तो किसका व्यापार बढ़ेगा? व्यापारियों। अब जब वो मेवा मिष्ठान बना करके लाएगी, खीर पकवान बना करके लाएगी, तो किसका व्यापार बढ़ेगा? व्यापारियों का बढ़ेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने इसमें व्यापार को जोड़ दिया गया। अब एक्चुअली में हमारे में भाई दूज की प्रथा और भाई दूज खिलाने वाली व्यवस्था नहीं है। मैं तो सभी बहन लोगों को कहता हूँ, भाई अगर आप सगा बहन, अगर सगा भाई को आप भाई दूज खिलाती हैं, तो ये तो आप स्वयं कंफ्यूज हो, ऐसे मेरे को लगता है। अगर क्योंकि आप सगा भाई को आप दूज भाई बना रही हो, तो यह तो आप लोगों की माइंड ऊपर डिपेंड करता है, भाई आप ऐसा ना करें। समस्त हमारे बहन बेटियों से यही अपील है, और आप भाई दूज खिलाने से पहले उनको जा कर के देखो, उनकी जो शोध कहाँ से हुआ है, हिंदू मैथोलॉजी में, जो वैदिक धर्म में भाई दूज की प्रथा कब से प्रारंभ हुआ और क्यों हुआ हिंदू धर्म में, ये आप जा कर के वहाँ दर्ज करके देखिए, वहाँ शोध करके देखिए, उसके बाद आप खिलाना। कहीं के कहीं ले जा कर के चिटका देते हो, कहीं के कहीं मान। अब मैं तो ये भी देखता हूँ हमारे माताओं की, हमारे पुरुष को भी मैं देखता हूँ, हमारे लोग इन मनु आदियों कितना गुलाम हो चुके हैं। देखो अभी तो ये भाई दूज वाला, भाई दूज खिलाने वाले आ गए, रक्षाबंधन आ गए, सब राखी बांधने चले गए, उसके बाद क्या आता है, बेटा उपास आ जाता है, तो साड़ी लोग बेटा भांचा उपास आता है, बेटा उपास आता है, भाई उपास। अरे ये सब चीज़ क्या है भाई, मेरे को ये समझ नहीं आता। हमारे मातृ शक्तियों को से कि जो क्या सोचती है, ये कोई भी कहीं से भी ला देता है, अभ्रंश फैला देता है। अब कोई कहता है कि यहाँ इतना पर्ची बांटता है, इस पर्ची को इतना 25 प्रति बांटोगे, 10 प्रति बांटोगे, तुमको ये फायदा होगा, और नहीं करोगे तो ऐसा कर देगा, वो मर गया वहाँ, नहीं किए तो, अब ऐसे किए तो वो सोन का हंडा पाया। इस प्रकार से लालच दे करके हमारे लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है। इस सब चीज़ को आप ना ध्यान मत दो, अपने व्यवस्था पे रहो। हमारे में ज्योतिया होता है, जुझे भाई ज्योतिया, बेटा ज्योतिया के रूप में हम मानते हैं। और यह क्यों मानते हैं, इसके पीछे भी अभी कुंवार में हुआ ज्योतिया, क्यों मानते हैं उसको, क्यों मानते हैं? हम अपने आदि शक्ति जो अपने प्रकृति शक्ति है उसको आराधना करके हम लोग क्या मातृशक्ति जो एक साधना करती हैं, सेवा करती हैं, और अपने परिवार के सुख शांति के लिए प्रकृति शक्ति को अर्जी विनती करती है, जोहार करती हैं, ये जो अब हमारे में कोई दिखावा नहीं है, कोई प्रकार से आडंबरवाद नहीं है, और घर की जो भी चाउर का जो अरसा बना करके ज्योतिया में रखती हैं, और उसी को खा करके पूरे परिवार को बांटती है, उसमें कहाँ का साड़ी, तो कहाँ का आडंबरवाद, ये सब चीज़ नहीं है। अब इसको व्यापारवाद बनाने के लिए कहीं कहीं आडंबरवाद घुसेड़ रहे हैं, ये सब चीज़ गलत है। हम नेचुरली तरीके से पूजा करते हैं हमारे लोग, और नेचुरली प्रकृति की ही तरीके से, जो प्रकृति में है, जो हमारे घर में सुविधा है, उपलब्ध है, उसी को हम अपने पेन पुरखा में अर्पण तर्पण करते हैं। बाहरी चीज़ को हमारे पुरखा एक्सेप्ट करता ही नहीं है, हमारे पुरखा बाहरी चीज़ को एक्सेप्ट करेगा नहीं। आप नवा के दिन नया चाउर का, नया अन्न का, नया चाहे कोदो हो, चाहे कुटकी हो, चाहे धान हो, चाहे मक्का हो, चाहे कोई भी हो, अब उसको चढ़ाने के बजाय आप उसको मेवा मिष्ठान ला करके चढ़ाओगे, तो स्वीकार करेगा क्या? नहीं करेगा। भाई आप भुट्टा का नया खा रहे हो, कोदो कुटकी का नया खा रहे हो, तो उसको चीज चढ़ाओगे तो उसको स्वीकार करेगा ना। तो हमारे लोग घर में जो उपलब्ध है, सुविधा है, जिसके हिसाब से मानते उसको करते हैं, बाहरी आडंबर को नहीं करते। इसलिए मेरे तमाम मातृशक्तियों से यही अपील है, हमारे STSC OBC मूल निवासी से, कि आप हम आपके सगे भाई हैं, और हम आपके सगे भाई हैं, अगर मौसी बड़ी के भाई भी हैं तो भी हम भाई हैं, आपका सगा भाई हैं, गोत्र की भाई हैं, ममा फुआ की भाई हैं, तो भी हम भाई हैं। आप हमको भाई दूज खिला करके दूज भाई मत बनाइए, हमको दूसरा भाई मत बनाइए, हम आपका यही अपील करते हैं। और समस्त मातृशक्ति को सादर सेवा जोहार, जोहार जोहार।
और अपने इस मान्यता को आप अगर फॉलो करती हैं तो बंद कर दीजिए इसको। आप समस्त मूल निवासी समाज और इसके और जो ब्राह्मणों की मनुवाद की गुलाम से आप बाहर आइए और अपने पुरखों की व्यवस्था को मानिए। बस आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय लंकेश, जय भीम। धन्यवाद लिंगो जी, आपने इसके बारे में जानकारी दी।